सो जैसे कि समर आ गया है, हमें बहुत अच्छा सनस्क्रीन की ज़रूरत है। इस टाइम पे सन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है वो आप सबको तो पता ही है। तो हमें कुछ ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो स्वेट प्रूफ हो, यूवी प्रोटेक्शन दे, प्लस एंटी पोल्यूशन हो। सो उसी के साथ आज मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सो हे गाइस, दिस इज मीती, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज उसी के बेसिस पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसा सनस्क्रीन जो स्वेट प्रूफ भी है, अच्छा SPF भी है, प्लस वो एंटी पोल्यूशन भी है, प्लस वो यूवी प्रोटेक्शन भी है। सो कौन सा सनस्क्रीन है वही आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो सनस्क्रीन है वो है ये लोटस हर्बल का सेफ सन स्पॉट्स सुपर स्टे सन ब्लॉक, और ये जो है ये है हाई यूवी ए एंड UVB प्रोटेक्शन, वाटर एंड स्वेट प्रोटेक्शन है, स्वेट प्रूफ है, प्लस एंटी पोल्यूशन है, और ये प्रिजर्वेटिव फ्री है एंड दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। इसका जो प्राइस है ये है 345, और आप एक भी आता विच विल कॉस्ट यू अराउंड ₹750। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो ये जो ब्यूटिफुल सा पैक है, यू कैन सी दिस पैक, इसका जो SPF है डेट इज 70+। मैं इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन विथ थ्री फिंगर्स। सो ये है मेरा वन फिंगर, देन आई विल टेक टू फिंगर एंड थ्री फिंगर, उसको मैं भी अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एंड इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अपने नेक रीजन में भी आपको अप्लाई करना होता है। तो बहुत ज़्यादा जो टास्क है दिस इज दिस वन, कि आपको थ्री फिंगर का ये जो सनस्क्रीन है यू हैव टू ब्लेंड दिस आउट। तो इसको मैं जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेती हूँ। ऑलवेज यूज थ्री फिंगर रूल टू यूज द सनस्क्रीन। सो मैं बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, बहुत सूदिंग स्मेल है। ये टास्क थोड़ा सा टफ है क्योंकि यू कैन सी पूरा वाइट हो गया है, बट ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। मे बी थोड़ा टाइम लग जाए, बट यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। और जैसे कि अभी सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इवन बहुत गर्मी है, दिस इज ए स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन लोशन, सो यू कैन सी। और ये आपके स्किन पे ना एक ग्लो छोड़ देता है, एज यू कैन सी। यू कैन अप्लाई दिस बिफोर योर मेकअप। सो आपको मेकअप से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना है एंड यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन। मैंने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। यू कैन कीप अ लेयर एंड दिस इज यूवी प्रोटेक्शन गाइस, यूवीए यूवीबी प्रोटेक्शन विथ SPF 70+। सो थोड़ा वाइटिश है बट इट्स ओके, इतना वाइटिश नहीं है, मेरे हेयर पे लगा है इसलिए वाइटिश लग रहा है, बट इट्स ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड इन माई फेस। ओके, यू कैन सी कितना अच्छा ग्लो भी दे रहा है। लाइक आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑल्सो यू कैन गो आउट, बहुत अच्छा एक शाइनिंग भी दे रहा है, योर स्किन इज जस्ट ग्लोइंग। मेरे को पर्सनली इसका स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा, और यू कैन सी मैंने पूरे फेस और नेक में अप्लाई कर लिया है, अच्छा सा ग्लो दे रहा है, यू कैन सी द ग्लो गाइस। और यू शुड अप्लाई अ सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट एवरी डे, इवन अगर घर पे भी रहोगे तो भी यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे। लोटस का जो सनस्क्रीन है दिस इज़ वेरी गुड, इट्स एब्जॉर्ब्स वेरी क्विकली, इट्स स्वेट प्रूफ ऑल्सो, इट इज़ एंटी पल्यूशन। सो यू कैन सी कितना अच्छा ग्लो भी दे रहा है एंड आई एम नॉट स्वेटिंग गाइस, सीरियसली आई एम नॉट स्वेटिंग। एंड बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर्स है इसका, बहुत अच्छा ग्लो भी आता है आफ्टर अप्लाइंग दिस। इफ यू अप्लाई द मेकअप बहुत अच्छा बेस भी बनेगा, ऑल्सो यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सन। सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स कि आप एक बार ट्राई करें, दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड यू शुड गिव अ ट्राई टू दिस सनस्क्रीन। सी बहुत अच्छी तरीके से पूरे नेक और फेस पे एब्जॉर्ब हो गया है, एंड आफ्टर दैट इफ यू अप्लाई द मेकअप और
इफ़ यू गो आउटसाइड यू विल बी विद अ ग्लो. आप देख सकते हो मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, आई एम जस्ट अप्लाइंग द सनस्क्रीन एंड आई हैव अ ग्लो इन माई फेस. मैंने आपके सामने ही पूरा अप्लाई करके दिखाया है. सो ऑल्सो अगर आप सनस्क्रीन लगाने के बाद मेकअप यूज़ करो तो भी इट्स गुड, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन एंड डेफिनेटली यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन एवरी टाइम. ओके, जब भी आप बाहर जाओ, इवन आप जब घर पर भी रहो तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है. एंड मुझे इसका जो सबसे बेस्ट लगा डेट इज़ दिस इज़ अ स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन. एंड या किसको स्वेट प्रूफ नहीं चाहिए. एंड समर्स पे क्या होता है, हम लाइक मेकअप करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और इतना ज़्यादा पसीना आता है, उसके बाद सब वैनिश हो जाता है. बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ लाइक एंटी पोल्यूशन ऑल्सो द स्वेट प्रूफ. इट हैज़ यू वी ए यू वी बी प्रोटेक्शन एंड वाटर एंड स्वेट प्रूफ. बट जो मुझे सबसे अमेजिंग वाला सीन लगा वो है दिस इज़ ए स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन प्लस दिस इज़ ए एंटी पोल्यूशन. दिस इज कैलेंडुला एंड शैमुली एक्सट्रैक्ट. सो अच्छा एक सूदिंग स्मेल है. दिस इज़ नॉट अ हार्श स्मेल. वैसे भी आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा हार्ड स्मेल नहीं कर पाती, मेरे को प्रॉब्लम होता है. बट दिस इज़ वेरी गुड, बहुत ही सूदिंग है. मैं एक बार टेक्सचर्स आपको दिखा देती हूँ, अपने हाथ में ही अप्लाई करके आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट टेक्सचर है. एंड ऑल्सो आप हमेशा थ्री फिंगर रूल ही अप्लाई करें. मैं अपने हाथ में भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ कितना स्मूथ बटरी टेक्सचर है. स्मेल भी फ्लावरी वाला स्मेल ही है, जैसे कि इसमें कैलेंडुला और शैमोली है तो यू कैन सी. सो और ये इजीली आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक अच्छा सा ग्लो छोड़ जाएगा. यू कैन सी द डिफरेंस राइट, बहुत अच्छा से ग्लो छोड़ जाएगा. आफ्टर दिस यू कैन अप्लाई मेकअप, बट इफ़ यू डोंट विश टू अप्लाई मेकअप देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो, यू कैन सी. ठीक है, सो या डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस सनस्क्रीन टू ऑल ऑफ यू, गिव अ ट्राई टू दिस. सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. सो दिस इज समथिंग आई लव द मोस्ट फॉर दिस समर एंड या आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, गिव अ ट्राई. सो या दैट्स इट, आई होप यू एंजॉय माई वीडियो. इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, डू शेयर एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट्स इट, थैंक यू सो मच.